हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी। ये अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, आप विथ बोन भी ले सकते हैं। इसे आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अभी मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, 1/2 चम्मच के बराबर हल्दी और ये तीखी लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। डालेंगे इसमें विनेगर, अगर विनेगर नहीं है तो आप एक नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढक के 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन में रखेंगे। आप और भी ज़्यादा देर रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज में रख लीजिएगा। अभी 1/2 घंटा पूरा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर मैंने डाला है, 1 चम्मच भर के कुटी हुई धनिया। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा चिकन मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। इसके बदले आप 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा कम अजवाइन, ये डाइजेशन की काम करेगी। पहले आप इसे थोड़ा सा रगड़ें और इसके बाद डाल दीजिए। 1 हरी मिर्च को मैंने टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी जितना धनिया पत्ता छोटे छोटे पीसेस में कट करके अभी डाल रही हूँ। अभी बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। अभी हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडे को तोड़ के इस तरह से पूरा का पूरा अंडा डाल देंगे इसमें। तो अभी मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के बेसन और 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। इनकेस आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो बेसन की मात्रा आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, मतलब और 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए इसमें। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये स्टेप हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम चिकन की पीसेस को एक एक करके ऑयल में डालेंगे। आपकी कढ़ाई के अंदर जितनी आ रहा है आप उतनी डालिए। इसी तरह से 1 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसे उलट पुलट करके इसी तरह से तल लीजिए। हम इसे और एक बार फ्राई करेंगे। तो अभी 7-8 मिनट के बाद हम इसे निकाल देंगे। अभी हम दूसरा प्याज डाल लेंगे इसमें। वही सेम प्रोसेस, 7-8 मिनट तलने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। सभी चिकन को निकालने के बाद आप इसे 10 से 12 मिनट छोड़ दीजिए या फिर पूरी तरह से ठंडा होने तक छोड़ दीजिए। अब हम तेल को धुआं आने तक गर्म करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ चिकन। फ्लेम को हाई करके आप इसे तल लीजिए इसका रंग परफेक्ट होने तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। हमने बैटर में कुछ भी कलर नहीं ऐड किया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कलर आया है। बाहर क्या होता है कि इसमें कलर डाल देते हैं, इसलिए इसकी रंग बहुत ही लाल दिखता है, लेकिन आप घर पर इसी तरह से ट्राई कीजिए हेल्दी तरीके से। आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। अभी हम दूसरा प्याज डाल देंगे, इसे भी हम हाई हीट में फ्राई करेंगे। इसे गरम तेल में इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कीजिए ताकि चिकन अच्छे से क्रिस्पी बने। अभी ये वाला भी हो गया है।
अब हम इसे एक इस टाइप के जाली में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल जाए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा मेरी सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है ऊपर और कुछ प्याज और हरी मिर्च यहाँ पर रखा है मैंने। अभी तैयार है हमारा गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा, बहुत ही क्रिस्पी है। अभी इसकी प्रूफ देखिए आप, है ना क्रिस्पी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी अपने घर में ये रेसिपी बनाइए और मेरे साथ अपने फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।